आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन को लोकार्पित करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 15 नवंबर 2021 को भोपाल पहुंचे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से सोनल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसे अब रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा, वे अंतिम गौण शासक भोपाल की रही हैं। इतिहास ने उन्हें काफ़ी हद तक सरकारें जिनकी भी रही आज़ादी के बाद, चाहे मध्य प्रदेश में रही हो, चाहे देश में रही हो, केंद्र में रही हो, चाहे प्रदेश में रही हो, सभी के द्वारा रानी कमलापति सहित पुराने जितने भी गैर नवाब शासक थे उन्हें बिसार ही दिया था एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इतिहास को नए सिरे से लोगों को बताने की कवायद की जा रही है। रानी कमलापति आपके सामने दिख रही हैं। ये रानी कमलापति के नाम से भोपाल में कमला पार्क और कमला पार्क से लगा हुआ एक कमलापति महल है, जो छोटे तालाब और बड़े तालाब दोनों को दो हिस्सों में बांटता है। इसके ऊपर से एक सड़क भी निकली है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से सोनल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस पर भोपाल के जो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन का नाम केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा परिवर्तित करके अब रानी कमलापति के नाम पर कर दिया गया है। भोपाल में इसे लेकर सियासत कुछ दिनों से गरमाई हुई थी, यहाँ तक कि भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा भी इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की गुहार लगाई गई थी और उनके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस रेलवे स्टेशन को करने के लिए ट्वीट भी किया गया था। ये देखिए, लोगों का कहना है कि इस रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते ही आपको कहीं ना कहीं एयरपोर्ट में प्रवेश करने का एहसास होगा। चीज़ें बदल रही हैं, बहुत तेजी से परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिख रहा है देश के अनेक हिस्सों में। जिस तरह से चीज़ों में बदलाव आ रहा है, बहुत तेजी से चीज़ों में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से सोनल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आदिवासियों के लिए बहुत सी घोषणाएं भी इस अवसर पर की गईं। भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति, जो भोपाल की अंतिम गौ शासक थी, उनके नाम पर कर दिया गया है। इस अवसर के हम आपको फुटेज लगातार दिखा रहे हैं। पीएमओ की वेबसाइट, प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा जो यूट्यूब चैनल चलाया जाता है, उस यूट्यूब चैनल में ये सारे वीडियोस आपको मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे और ये अपनी गाड़ी से वे उतर रहे हैं। लोगों का अभिवादन उनके द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। रेल मंत्री, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल सभी वहां मौजूद उनकी अगवानी में। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इतिहास में अब बदलाव दिख रहा है और लोगों को ये बदलाव खासा आनंदित कर रहा है। लोगों को इस बदलाव से लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से सोनल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हम आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों का उद्बोधन इसके बाद सुनवाते हैं। अपने प्रधानमंत्री जी का विजन, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे और हमारे रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट जैसे बन जाएं।
पहले जब हम देखते थे रेलवे स्टेशन तो गंदगी का अंबार, कूड़ा करकट का ढेर, बदबू, लेकिन ये मोदी विजन ही है जिससे देश बदल रहा है, रेलवे स्टेशन भी बदल रहे हैं। और आज मोदी विजन दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। मैं एक बार फिर अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से इस बड़ी सौगात को देने के लिए, रेलवे के अनेकों सौगातें देने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव भाई और बहनों, आज का दिन भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्ज्वल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया है। ये भी ऐसा समय में हुआ है जब आज देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश के सभी बहनों भाइयों को, विशेष रूप से जनजातीय समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां इस कार्यक्रम में भोपाल रानी कमलापति बरखेड़ा लाइन का तिहरीकरण, गुना ग्वालियर खंड का बिजलीकरण, फतेहाबाद चंद्रावती गंज उज्जैन और मथेला निमारखेड़ी खंड का बिजलीकरण और उसे ब्रॉडगेज में बदलने के प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। इन सभी सुविधाओं के बनने से मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त रेल रूट में से एक पर दबाव कम होगा और पर्यटन, तीर्थाटन के अहम स्थानों की कनेक्टिविटी अधिक सशक्त होगी। विशेष रूप से महाकाल की नगरी उज्जैन और देश के सबसे। सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आदिवासियों के जनजातीय गौरव दिवस पर अपने उद्बोधन में क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
विशेष रूप से भोपाल पहुंचे और उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है और रानी कमलापति के नाम से नए रेलवे स्टेशन का उनके द्वारा लोकार्पण किया गया। और ये नया रेलवे स्टेशन वाकई बहुत खूबसूरत बना हुआ है। एक बार आप हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है, वहाँ जाकर उसको देखिएगा जरूर। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से सोनल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, वीडियोस, अन्य जानकारियाँ अगर आपको पसंद आ रही हों तो आप उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।